पहले बात बड़ी खबर की, सबसे ताजा खबर की। यह खबर राजसमंद से है, जहां पर आमेट के वेवर महादेव मंदिर में बीती रात पत्थर और कुल्हाड़ी से वार करके एक महंत की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मौके पर करीब 20 फीट तक घसीटने के निशान भी मिले हैं। हमलावर मंदिर से तलवार और बंदूक भी चुरा ले गए। वहीं प्रथम दृष्टया चोरी के दौरान हो हल्ला मचाने पर महंत की हत्या किए जाने की आशंका जताई गई है। पुलिस ने एफएसएल की टीम की मदद से साक्ष्य जुटाने के साथ ही मौके पर जायजा लेकर पड़ताल शुरू कर दी। आमेट थाना पुलिस के मुताबिक काठोड़िया चित्तौड़गढ़ निवासी दिनेश गिरी करीब 3 दिन पहले आमेट के वेवर महादेव मंदिर में अल्प विश्राम के लिए रुके थे। वे यहां से मारवाड़ के सारण जाने की बात कह रहे थे। रात को अज्ञात लोगों ने पत्थर पटक पटक कर और कुल्हाड़ी या अन्य धारदार हथियार से सिर पर हमला करके उनकी हत्या कर दी। बाद में उन्हें करीब 20 फीट तक घसीटने के भी साक्ष्य यहां पर मिले हैं। पुलिस मौका मुआयना के बाद आसपास के लोगों से महंत के बारे में पूछताछ कर रही है। वहीं मंदिर के ताले टूटे मिले हैं, जहां से एक तलवार और बंदूक चोरी होने की भी बात सामने आई है। वेवर महादेव परिसर में एक व्यक्ति की लाश खून से लथपथ होकर पड़ी है। मैं SHO मैं जाप्ता के मौके पर पहुंचा, मौके का मुआयना किया तो प्रथम दृष्टया मामला हत्या का लग रहा है। और इस बारे में हमने कुछ अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त कर लिए हैं। क्या नाम वगैरह कुछ पता? और फिलहाल इनका नाम दिनेश गिरी निवासी नारेला होना ज्ञात आया है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेटेड जानकारी ले लेते हैं। पत्रकार टीवी सहयोगी लक्ष्मण इस वक्त राजसमंद से जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ ताजा जानकारी इस पूरे घटनाक्रम में मिल पाई है? किसी की निशानदेही हो पाई है अभी तक? अभी मौके पर पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश गुप्ता भी पहुंच चुके हैं और FSL की टीम मौके पे है। लेकिन अभी तक हत्या करने वाले उसके आरोपी के पता नहीं चल पाया, लेकिन प्रथम दृष्टया मंदिर से तलवार चोरी हुई है, उससे ये अंदेशा जताया जा रहा है कि इनकी चोरी करने आए बदमाशों ने ही इनकी हत्या की है और कुल्हाड़ी और पत्थरों से उसके सिर पर वार किए हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। और FSL एवं पुलिस द्वारा डॉग स्क्वाड मंदिर का मेन गेट के ताले टूटे और चोरी के लिए नियत घुसे तब ये महंत उठा होगा, ऐसी आशंका पुलिस जता रही है। और उसी दौरान ये चोरों ने इन पर हमला करके हत्या कर दी और मंदिर से ये दो आइटम चोरी हुए हैं। उसके अलावा भी क्या क्या चोरी हुआ उसको पुजारी को बुलाया गया है अभी मौके पे और वो देख रहे हैं कि मंदिर से क्या क्या चीज चोरी हुई है। लक्ष्मण, इस खबर पर तफसील से जानकारी देने के लिए तो राजसमंद से ये इस वक्त की ताजा और बड़ी खबर मिल रही है कि एक महंत को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया है, उसका मर्डर किया गया है। और साक्ष्य जो मिले हैं अभी तक उससे ये साफ हो रहा है कि यहां पर चोरी की वारदात की गई है और इसी मंशा से यहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है।